Heart failure is a condition where heart function has decreased from the normal of 60% to less than of 35%. Heart ki pumping has got compromised. What do we do in these patients? Well, we put number of devices. CRT therapy, cardiac resynchronization therapy, has helped the heart failure patients in a big way. इसमें क्या करते हैं हम एक डिवाइस लगाते हैं जिससे कि हार्ट का फंक्शन इम्प्रूव हो जाता है. नीचे के दोनों चेंबर हार्ट के जो अपने एक साथ मूव नहीं कर रहे, दे आर मूविंग ऑपोजिट टू ईच अदर, दे स्टार्ट मूविंग विद ईच अदर एंड इट रिजल्ट्स इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ हार्ट फंक्शन. अनदर डिवाइस विच वी आर यूजिंग नाउडेज इज कंडक्शन सिस्टम पेसिंग. इन पेशेंट्स हु हैव ECG, वाइड QRS ऑन द ECG, उनको हम दो तारे लगा के कंडक्शन सिस्टम पेसिंग, मतलब जो उनके अपना हार्ट की तारे वीक हो गई हैं उन्हीं तारों के ऊपर इलेक्ट्रिक वायर लगा के या लीड लगा के उसका बाईपास करके हम उनका हार्ट फंक्शन इम्प्रूव कर देते हैं. एंड दिस वी डू इट ओनली विद अ ड्यूअल चेंबर पेसमेकर. अनदर डिवाइस विच इज़ यूज इन दीज पेशेंट्स इज एन ICD. ICD saves patients of heart failure from sudden cardiac arrest. What is sudden cardiac arrest? Heart failure के patients में अकस्मात heart beat stop होना या बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाना, 300-400 beats per minute पे पहुँच जाने का complication होता है. उसको prevent करने के लिए, life को save करने के लिए, we implant an AICD, automatic implantable cardioverter defibrillator. और devices क्या use होते हैं, वो surgically होते हैं. These all are done in the cath lab. लेकिन सर्जिकली अगर किसी पेशेंट, हार्ट फेलियर के पेशेंट को हमने इम्प्रूव कराना है तो उसको LVAD लगाते हैं, जिसमें हम छाती को खोल के हार्ट के ऊपर एक डिवाइस लगा देते हैं जो हार्ट का पंप का काम करती है, और उसके साथ एक कैरी ऑन होने वाली डिवाइस हम पेशेंट के साथ लटका देते हैं जिसकी बैटरी टाइम टू टाइम रिचार्ज करनी पड़ती है. LVAD लगाने के लिए सर्जरी करनी पड़ती है, लेकिन कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन करने के लिए, फिजियोलॉजिकल पेसिंग करने के लिए और AICD लगाने के लिए हम कैथ लैब में सर्जरी के बिना ये प्रोसीजर करते हैं.